तो आज है ट्यूसडे और आज 26 दिसंबर है और आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी है और आज का मार्केट ऐसा था कि आप जहाँ से ट्रेड लो वहाँ से लॉस होगा मतलब मार्केट प्लस में जा रहा है फिर माइनस माइनस में आ जा रहा है फिर माइनस में जा रहा है तो लग रहा है कि माइनस में एंट्री लो फिर प्लस में आ जा रहा है मार्केट तो मतलब आज जो दो तीन दिन जो मार्केट बंद हो गया ना आज वो पूरा मार्केट निकालने की कोशिश कर रहा था तो जहाँ से आप ट्रेड लोगे वहां से लॉस होगा और जिस पॉइंट पे हम लोग एंट्री ले रहे थे उस पॉइंट से आगे बढ़ ही नहीं रहा था मार्केट मतलब जैसे लग रहा था वहीं से नीचे होता है किसी किसी दिन बट आज मैं चूंकि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ा हूँ मैं देख रहा था सब लॉस ही लॉस सबको लॉस ही लॉस हो रहा था बिकॉज आज मार्केट ऐसा था ना वॉलेटाइल मार्केट था आपको जहाँ से एंट्री लोगे बस वहीं से एक दो पॉइंट ऊपर पड़ रहा फिर नीचे आ जा रहा मार्केट तो जब तक आप डिसाइड कर रहे हो सोच रहे हो तब तक तो सब चला जा रहा है और फिर जब आप एग्ज मार्केट से एग्जिट कर जा रहे हो तो फिर वही स्ट्राइक प्राइस आगे बढ़ जा रहा है तो कहने का मतलब इतना वॉलेटाइल मार्केट था कि और प्रीमियम डीके भी होता है आज एक्सपायरी था तो तो इस वजह से आज देखिए मैं आपको अपना ऑर्डर बुक दिखाता हूँ तो एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर बुक दिख रहा होगा एटीन बट ये एटीन नहीं है इसमें बहुत सारे कैंसिल वाले भी हैं जो इसमें ऐड हो जाते तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी देखिए सारे बहुत सारे कैंसिल वाले मैं शुरू का दिखाता हूँ आपको दिन का ये देखिए मेरा पहला जो ट्रेड था एक सेकेंड हाँ बारह बज के तिरालीस मिनट पर पाँच सौ बीस क्वान्टिटी सात रुपये चालीस पैसे पर लिया और फिर नीचे गया एक से बीस क्वान्टिटी मैंने और ऐड किया मुझे लग रहा था बढ़ेगा क्योंकि मार्केट में पोटेंशियल मेरे को लग रहा था कॉल साइड में बट वो नहीं हुआ लास्ट में मुझे साढ़े चार रुपये पर निकालना पड़ा ठीक है एवरेज मैं जल्दी करता नहीं हूँ तो मेरा देख के आप लोग भी एवरेज करिएगा मत कभी कभी एवरेज करता हूँ ठीक है अब आते हैं आगे अब देखिए जो सुबह का मेरे को लॉस हुआ था ठीक है वो काफ़ी बड़ा लॉस लगभग सत्रह सौ के आसपास अट्ठारह सौ के आसपास का लॉस हो गया था मुझे तो अगर मैं यहाँ पे दे यहाँ पे देखिए तेरह बजे यानी कि ठीक एक बजे मैंने फिर पाँच सौ बीस क्वान्टिटी ऐड की सात रुपये बीस पैसे पे और चूँकि मार्केट इतना ख़राब था कि मतलब जहाँ से लिया वहीं से मार्केट नीचे चला गया और ऊपर आने का चांस भी नहीं लग रहा है मतलब जो इसके प्रीमियम होता है उसके प्रीमियम में जो फ्लक्चुएशंस होने चाहिए वो वो हो नहीं रहते बिकॉज मार्केट में वॉलीटिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे डर था कि प्रीमियम डिके ना हो जाए इसका भी तो मैंने आठ रुपये बीस पैसे पर पेस इसको निकाल दिया पाँच सौ बीस क्वान्टिट्टी थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ ठीक है कोई बात नहीं बट आज का मार्केट बहुत गंदा था इसमें अगर थोड़ा भी प्रॉफिट हो तो समझ लिया आप बहुत खुश नसीब है फिर आते हैं ऊपर चलते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर फिर से एक बार कॉल साइड में ही फिर से मैंने लगभग तेरह बज के चार मिनट मैंने एक बज के चार मिनट में कॉल साइड में चौदह रुपये पर दो सौ अस्सी क्वान्टिटी लिया मैंने और पंद्रह रुपये पर निकाल दिया यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रुकना चाहिए था बिकॉज यहाँ पे मार्केट जो है बट इतना डर लग रहा था क्योंकि मार्केट आज का सही नहीं था और इसलिए मैं रुका नहीं ये बाद में बीस बाईस रुपये तक गया था तो मतलब इंस्टेंट होता है ना जैसे ही आप निकलते हो वैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वही कहानी मेरे साथ भी थी ठीक है तो मैंने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक किया मुझे लग रहा था कि मैं जो मेरा जो स्ट्रैटेजी होता है कि कम मार्जिन पे निकल जाओ मतलब कि आप क्वांटिटी बड़ी रखो बट बड़ जो टारगेट है वो छोटे रखो तो उसमें क्या होता है अगर मार्केट वॉलेटाइल भी रहेगा तो आप सेफ़ निकल जाओगे अगर आप बीस पच्चीस रुपये के टारगेट के चक्कर में हो मार्केट वोटाइल है तो आप तो गए तो मैं टारगेट छोटा रख के निकल जाता हूँ ये मेरा स्ट्रैटेजी अच्छा बुरा जो भी है मेरा है ठीक है अब ऊपर आते हैं हम लोग फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉस रिकवर हुआ था फिर आठ रुपये अस्सी पैसे पर मैंने फिर से ट्रेड लिया अब ये मैंने लगभग एक बज के चालीस मिनट पर लिया पाँच क्वांटिटी बीस क्वान्टिटी ठीक है नौ रुपये पचास पैसे पर मैंने इसको निकाल दिया ठीक एक रुपये से भी कम का मार्जिन पर निकाल दिया इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट था रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं था ऑलरेडी लॉस में चल रहे थे फिर मैंने लिया यहाँ पर ये यह देखिए आठ रुपये पंचानवे पैसे पे दो बजे इतना ट्रेड मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा आज मूड ऑफ हो गया था मतलब होता ना किसी किसी दिन पहला ट्रेड लो बहुत कैलकुलेशन करके और लॉस हो जाए तो लगता है यार ये ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए तो हालांकि मैं बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ बहुत डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं पहले ऐसा डिसिप्लिन नहीं था बीच बहुत लॉस होता था मुझे बहुत लॉस बट जब से डिसिप्लिन हुआ तब तो से ठीक है बट आज मैंने डिसिप्लिन ब्रेक किया आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लिया आज थोड़ा सा गुस्से में ट्रेड ले रहा था होता है ना मार्केट से बदला लेना है तो वो चीज़ मैं कर रहा था हालांकि आप लोग मत करिएगा तो ये देखिए पाँच सौ मैंने दो बजे फिर से लिया आठ बजकर पंजा और भाई साहब लेते ही ये पाँच रुपये आ गया अब तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार इतना कैलकुलेशन करके इतने चार्ट देख के मैंने लिया था लेकिन मैंने सोचा मैं इसको बेचूंगा नहीं तो मैंने देखी बीच में एक बार दो सौ क्वान्टिट्टी और ऐड करने की कोशिश किया था बट फंड नहीं था तो रिजेक्ट हो गया ठीक है तो ऊपर आइए फिर मैंने साढ़े नौ रुपये पर इसको लगाया था कि साढ़े नौ रुपये मैं इसको बेच दूंगा ठीक है तो थोड़ा सा प्रॉफिट ही होता है, बट ओवरऑल मैं लॉस में ही रहता लेकिन फिर मुझे लगा फिर लेकिन साढ़े नौ रुपये नहीं आ रहा था लेकिन मैं बहुत देर तक चार्ट देखा तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ये जाएगा जब ये पाँच रुपये जाके वापस आ रहा है तो ये जाएगा और चार्ट में भी मुझे पॉजिटिव सिम्टम दिख रहा था तो मैंने क्या कि मार्केट देखना बंद कर दिया जबकि बहुत रिस्की काम होता है और एक ग्यारह का टारगेट मैंने लगा दिया और मार्केट देखना बंद कर दिया और वो देखिए पाँच सौ बीस क्वान्टिटी जो मैंने यहाँ पे खरीदा था आठ रुपये पंचानवे पैसे पर यह टोटल जाके ग्यारह रुपये मेरा सेल हो गया तो जो टोटल मेरा सत्रह सौ का लॉस था वो मेरा रिकवर हो गया मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है चार सौ बाईस रुपये का मेरा प्रॉफिट चल रहा है ठीक है चार सौ बाईस रुपये का मेरा प्रॉफिट चल रहा है और ये आप जो ट्रेड देख रहे हैं जिसमें चौदह सौ तीस रुपये का मुझे लॉस प्रॉफिट हुआ है ये वही है जो मैंने ग्यारह रुपये बेचा था अभी फिलहाल में पाँच रुपये पे चल रहा है ठीक है जो दो बजे मैंने बेचा था अभी ढाई बज रहा है ठीक है और ये सुबह का मेरा पहला लॉस ये कितना आ, इसी लॉस की वजह से मैं टेंस हो गया था तो यही मेरा लॉस था और ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं तो ये प्रॉफिट ये ये जो चौदह तीस वाला है इसी ने पूरा रिकवर कर दिया मेरा और मैं आपको चार्जेस भी दिखा देता हूँ चूंकि ट्रेड ज़्यादा लिया है तो चार्जेस तो लगे ही होंगे बट फिर भी ओवरऑल ग्रीन में दिखता है ना तो बड़ा सुकून मिलता है यार और फिर भी मैं आपको चार्जेस दिखाता हूँ यहाँ पे जाने के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में जाते हम लोग यहाँ पे क्लिक करते तो टू डबल नाइन यानी तीन सौ रुपये मेरे चार्जेस लगे तो कोई बात नहीं ओवरऑल मैं फिर भी सौ एक सौ बीस रुपये के आसपास मैं प्लस में मैं उसी में खुश हूँ जहाँ मुझे लगभग लगभग सत्रह सौ के आसपास का लॉस हो रहा था वहाँ मार्केट में एट द एंड मैं लगभग सौ रुपये प्लस में जा रहा हूँ चार्जेस घटा के तो ठीक है मेरे लिए मैं निकल गया क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट था आज आप आज कोई भी व्यक्ति जहाँ तक ट्रेड लेगा दस में से नौ को आज लॉस होने होना तय है तो इसलिए अभी ढाई बज रहा है मैं तो अब सो, सोचूंगा अभी नहीं एंट्री लेने के लिए इसीलिए मैंने वीडियो पहले ही बना दिया तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी स्ट्रैटेजी से कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर उसको अप्लाई करें बट देख समझ के अपना दिमाग लगा के क्योंकि मेरे लिए तो सूट कर रहा हो सकता है आपको सूट ना करें तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद